नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करेंगे, विज्ञप्ति कब आने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन कब जारी होंगे, गुरुजी एग्जाम कब होगा, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाले हैं, इनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। आपका कई सारे बच्चों का मैसेज होता है कि नोट्स आप प्रिंटेड दोगे, क्या पैनल पीडीएफ का नोट्स मिलेगा, सारे कोर्स कब तक होंगे, इसकी वैलिडिटी कब होगी, एग्जाम तक पढ़ाओगे या केवल सिलेबस कराओगे। कई सारे बातों को आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बार इसके एक साल पहले की बात है, मैंने बिहार के केवल बीसीईसी का ऑफलाइन बैच किया था, दो लड़के आए थे। आप कई बार इस चीजों को मैं आपसे शेयर भी किया हूं। एक का नाम आप जानते होंगे, आशिका राज आई थी, जो पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक की है ऑफलाइन बैच का, और एक लखीसराय का बच्चा था जो 8 रैंक लाया है। बिहार के आपने देखा होगा बीएयू में इंटरव्यू कॉल के लिए इतने बच्चे, 15 बच्चे का नाम मैं केवल बता सकता हूं जिसने फोटो नहीं दिया कि फाइनल सिलेक्शन के बाद गुरुजी अपन फोटो लगाएंगे। तो ये आपका प्यार का देन है कि इतने बेहतरीन आपने रिजल्ट दिया जिससे हाईटेक का नाम हुआ। बीएचओ की बात करें, अगर मैं आपसे कि बीएचओ, जो भी बच्चे बीएचओ का एग्जाम दिए होंगे तो आप पेपर मिला लेना कि बीएचओ में हॉर्टिकल्चर में केवल 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न जो हैं अपने नोट से हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको नोट से मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से हम बिहार कोऑर्डिनेटर की भी तैयारी के लिए सोच रहे हैं कि आपके ऑफलाइन बैच शुरू किया जाए। ये ऑफलाइन बैच 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे पास पहुंचेंगे उनको बेहतरीन तैयारी किया जाएगा, 10,000 क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासरूम में किया जाएगा उसके, और एग्जाम तक ये बैच चलेंगे। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंज होंगे, आपको पता होगा कि एलाइड जितने भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सभी को बिहार कोऑर्डिनेटर में अनुमति दिया जाएगा एग्जाम और फॉर्म भरने के लिए। इसमें फिशरी साइंस आएंगे, डेयरी साइंस आएगा, हॉर्टिकल्चर आने वाले हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएंगे, ये सभी जो एलाइड सेक्टर हैं ये सभी को क्वालिफिकेशन के मार्ग से दिया गया कि आप कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरे और एग्जाम देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सब एलाइड सेक्टर को इसमें जोड़ा गया तो क्या सिलेबस में परिवर्तन होंगे या नहीं, क्योंकि हमारे बीएओ बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम चर्चा करें तो बीएचओ में तो पेपर 2 में हॉर्टिकल्चर और बीएओ में एग्रोनॉमी है पेपर 2 में, तो पेपर 2 के जो सिलेबस होंगे डियर वो अगर चेंज नहीं होता तो आप यकीन माने एग्जाम होगा ही नहीं। अब मुश्किल घड़ी यह है कि पढ़ाना कैसे है। पेपर 1 की तैयारी हम तब तक करेंगे जब तक इसकी नोटिफिकेशन में कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको बताया नहीं जाए। अगर सिलेबस चेंज होता है तो मैं ऑनलाइन के मार्ग से आपको बता रहा हूं कि अगर सिलेबस में चेंजिंग होते हैं और आपको फिशरीज पढ़ने के लिए आ गया, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में जुड़ गए, डेयरी साइंस आपके सिलेबस में जुड़ गया मेरे डियर, उसके बाद और बात करें हॉर्टिकल्चर जो है ही एलाइड सेक्टर में ये जुड़ गए, और जो भी एलाइड सेक्टर का सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा वो पूरे एग्जाम तक मैं बता रहा हूं आपको कराया जाएगा। एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है इस सिलेबस के अलावा 10,000 से भी ज्यादा, मैं लिख रहा हूं आपको इसीलिए कि केवल बोल के नहीं, ये एमसीक्यू और इसके सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा। ये नहीं कि आप बेचारे एमसीक्यू करवा दियो, आप पीडीएफ दे दिए, बच्चे को आंसर ही पता नहीं लग रहे हैं। सॉल्यूशन के साथ आपको, चाहे बच्चा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहा है या ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन का हमने कोर्स 2100 रुपया रखा था, अब इसे अभी जब तक ऑफर है ये केवल आपको 999 रुपीज में मिल रहे हैं, और जो ऑफलाइन बैच है इसका मैंने प्राइस रखा था 16,999, लेकिन इसे अभी कर दिया गया 11,999, मात्र 12,000, यहां भी 2,000 दोगे 10,000 का डिफरेंस आएगा आपको, लेकिन ऑफलाइन में जब आप पढ़ोगे ना तो अलग आनंद आएंगे। जीवन में आप गांठ बांध लेना, 2018 के बाद, एक बात और मैं आपको बता दूं, 2018 के बाद कोऑर्डिनेटर इस बार आ रहे हैं, अभी 2000 पोस्ट आ रहे हैं, इसके बाद आप 5 से 10 साल एग्रीकल्चर में जॉब भूल जाना बिहार में कि कोई जॉब आने वाले हैं, क्योंकि सारे सीट भर जाएंगे, फिर मस्त रहना, अंतिम प्रहार है, अंतिम मौका है, जी जान लगा दें, आप बेहतरीन तैयारी करें। 2,000-5,000 आप पटना में रहोगे, बेगूसराय रहो, भागलपुर रहें, कहीं भी पढ़ोगे आपके हॉस्टल फी तो लगने वाले हैं, 5-7 हज़ार रुपये और लगा के बेहतर तैयारी आप करें। आपको लगता है सर मैं पटना में ही ऑनलाइन बैठ के तैयारी कर सकता हूँ, वहीं से पढ़े, जरूरी नहीं है यहाँ आने के लिए, लेकिन कुछ लड़के ये सब आपस में कॉल करके हमें गाइड किया कि सर एक ऑफलाइन बैच शुरू होना चाहिए, आपके कहने पे ये ऑफलाइन बैच 1 सितंबर से आपको शुरू कर दिया जाएगा,
3+2 3 घंटे + 2 घंटे 5 घंटे आपके क्लास लगेंगे। अभी 3 आवर मैं 2-4 दिन शुरू कर दूंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा कि 5 घंटे आपके डेली की क्लास हो। नोट्स आपके मिलने वाले हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या प्रश्न पूछते हैं, सर एग्जाम कब है ये बता दो, आप बता देता हूं। पर आपके प्रश्न क्या आते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मैंने बोला अगर सिलेबस आपका चेंज होता है, सिलेबस जो भी मिलेंगे और न्यू सिलेबस जो मिलेगा इन सभी को कवर किया जाएगा। और मैं क्या बोलूं, सारे कवर। कभी कभी बोलते हैं हरिराम सर पढ़ाएंगे या नहीं, हरिराम सर आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो मैं लिख देता हूं। हॉर्टिकल्चर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, एक्सटेंशन मैं पढ़ाऊंगा, फिजियोलॉजी की बात करें तो मैं पढ़ाऊंगा। कई सारे बच्चे आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स आपसे पढ़ना है, मैं अपने सारे नोट्स तैयार कर लिया हूं। जब आप देखोगे इकोनॉमिक्स इस बार ऑफलाइन के बच्चे जो भी हैं उनमें इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कब तक बैच चलेगा, तो ये अगर आप यहां रह सकते हो तो एग्जाम तक चलेंगे, चाहे क्वेश्चन कराते रहूंगा, लेकिन पहले एक बार अपन सिलेबस कवर करेंगे। 1-1.5 महीना में आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा, मैंने बात भी किया पटना, लेकिन 15-20 दिन के बाद ये सभी जानकारी आ जाएंगे हमारे पास कि इसमें सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज का क्या रहेगा गुरु जी, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, अभी आपने जो भी बच्चे लाइव कोर्स ले रहे हो, लाइव कोर्स जो भी है, मैं पूरी दावा के साथ कह रहा हूं इसके टेस्ट सीरीज फ्री कर दूंगा। और क्या करूं, टेस्ट सीरीज आपको क्या मिलने वाला है इसमें फ्री, वो यहां से आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप केवल फोन कर देना। अगर टेस्ट सीरीज का पैनल अलग भी चलेगा तो भी आपको फ्री ऐड कर दिया जाएगा, यानी 200 रुपए का टेस्ट सीरीज हो, 300 रुपए का टेस्ट सीरीज हो, वो इसी कोर्स में जो भी बच्चे इनरोल हो रहे हैं उनको फ्री कर दिया जाएगा। प्रिंटेबल नोट्स जो भी हमारे पास है हिंदी इंग्लिश का, वो अभी भी चढ़ा देता हूं, इसको और ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है जीवन में कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना। बीएओ के लड़के को देखे, शॉर्टकट रास्ता वाले का रिजल्ट नहीं हुआ, बीएचओ में जो भी शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है उसका रिजल्ट नहीं हुआ। आप टाइम को बढ़ाना सीखो डियर, आप खुद का नोट्स बनाओगे 3 गुना ज्यादा फायदा होते हैं उसमें याद करने की क्षमता। लेकिन आप प्रिंटेबल नोट्स मांगते हैं, कई कोचिंग इसके नोट्स को देते हैं, मान लिया जाए प्रिंटेबल नोट्स मैंने कुछ और दे दिया और टीचर हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी कोई और पढ़ा रहे हैं, तो उन दोनों नोट्सों में आपको कंफ्यूजन होगी। एज इट इज प्रिंटेबल नोट्स टीचर कभी नहीं पढ़ाएगा, उसकी पढ़ाने की शैली अलग होगी, दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार प्रिंट वाले नोट्स पढ़ूं या ये पढ़ूं। ज्यादातर आप कोशिश करें कि वीडियो जब भी देखते हो 2x में देखो, 3x में लिखने की कोशिश करो, आप नंबर 1 बन जाओगे। मैं बार बार इसे रिपीट करता हूं, लिख के पढ़ने की कोशिश करो, बेवकूफ मत बनो। प्रिंटेबल नोट्स में चाहूं ना तो सारे सब्जेक्ट को आपको दे सकता हूं टॉपिक वाइज, फिर भी नहीं देता हूं कि नहीं हमें रिजल्ट चाहिए। और यही एकमात्र आपके पास जो बोल सकते हो रामबाण है कि आप लिख के पढ़ो, नहीं पढ़ोगे खुद आप बर्बाद हो जाओगे। वैलिडिटी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, कितने ईयर की होती है, 1 ईयर की हमारे सभी कोर्स की क्या होती है, वैलिडिटी होती है। क्या करना है गुरुजी, कुछ भी नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, हाईटेक क्लासेज उदयपुर को डाउनलोड करना है। 1 दिन पहले मैंने कोर्स अनाउंस किया है, 499 या 500 के आसपास बच्चे हमारे इनरोल हो चुके हैं अभी। अब मैं ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन 1 सितंबर से शुरू कर दूंगा। कितने से करूंगा, 1 सितंबर से। कितने टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं इनमें से, 12 से 15 टीचर देखने को मिलेगा आपको इनकम्प्लीट कोर्स में, चाहे उसमें कोई भी सिलेबस में परिवर्तन आए आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। अब आते हैं बात करते हैं एग्जाम की, कब होगा एग्जाम। चलिए मेन तो है एग्जाम कब होगा और नोटिफिकेशन कब होंगे, जिसके लिए आप अभी तक वीडियो पूरा देख रहे होंगे कि आप तो ये बता दो कि एग्जाम कब होंगे, सिलेबस मैं खुद कर लूंगा, पढ़ खुद लूंगा, बस मुझे एग्जाम बता दो। नोटिफिकेशन की जहां तक संभावना है, ये नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट या नवंबर में इसकी नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीना लग जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर आप जानते हो बिहार यूपी में त्योहारों का महीना होते हैं, इस समय नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जहां तक मुझे लग रहा है 1.5-2 महीने आप मान लें, 1 से 1.5 मंथ के बाद इसकी एग्जाम की संभावना है। और एग्जाम अगर नहीं देखा जाए तो जनवरी या फरवरी 2025 इसका माना जा रहा है, यहां तक जितने अभी तक जो सूचना मिल रहे हैं इंफॉर्मेशन उसके अनुसार से बता रहा हूं, मैं सचिव तो कोई हूं नहीं कि एग्जैक्ट डेट आपसे शेयर कर दूं, पर जनवरी फरवरी के आसपास 2025 में ये आपके एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी बहाली अभी आपने देखा बहुत फास्ट होते हैं और इसका रैंकिंग भी दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेटर की एग्जाम को लेकर के सरकार भी एकदम अपने जागरूकता को दिखा रहे हैं कि नहीं भाई कृषि में दिक्कत आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर की बहाली जल्दी किया जाए। अब हम आते हैं इसके वेतन मान का, इसके फायदा क्या है, वेतन मान में क्या सुधार होने वाला है। कोऑर्डिनेटर जो अभी तक हैं इनकी 2800 ग्रेड पे, जो 2018 में लगे हुए 18-19 की बात करें, 2800 ग्रेड पे, इसका मतलब इनकी स्टार्टिंग तनख्वाह 28-29 हजार से शुरू हुआ था, फिर लड़ाई हुई कि भाई इनको 3600 ग्रेड पे किया जाए, आज लड़ रहे हैं जानते हो किसके लिए, कि 4200 ग्रेड पे किया जाए या 4800 ग्रेड पे किया जाए। अगर ये ग्रेड पे हो गया ना डियर, मैं बोल रहा हूं ये ग्रेड पे अगर हो गया आपका कोऑर्डिनेटर का, तो इससे बेहतरीन नौकरी भी नहीं कोई,
बहुत अच्छा जॉब हो जाएगा। केवल इस जॉब में क्या हो जाए, ग्रेड पे अगर 42 या 46, 4800 तो छोड़ो, 4200 भी अगर ग्रेड पे कर दिया ना, तो ये जॉब बेहतरीन हो जाएंगे, डबल एओ के बराबर हो जाएगा, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बराबर हो जाएंगे, तब आप ना एक अधिकारी लाइक फील करोगे। और बहुत अच्छी पोस्ट है, 2000 पोस्ट कम नहीं होते हैं। आप मेहनत करोगे कि हर एक विद्यार्थी, कम से कम मेरा टारगेट है कि हाईटेक का, अब मैंने नौकरी छोड़कर ये काम शुरू किया हूं, तो मेरा एक मकसद है कि हर पंचायत में, अगर कहीं मैं बिहार जाऊं ना, तो मुझे लगे कि हर एक पंचायत में अपना एक बच्चा है हाईटेक का, जो क्या कर रहा है, इसको इस जॉब में है। अब एक प्रश्न आया है, क्या अदर राज्य के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। हमारे टाइम भी, जब मैं लगा था उस टाइम भी बहुत सारे लड़के अप्लाई किए थे, यूपी वाले, सब स्टेट के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्य के बच्चे भरे, ओपन एग्जाम है, ईमानदारी से एग्जाम हो रहे हैं अभी बिहार में, बहुत अच्छी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बाकी सेक्टर में क्या हो रहे हैं आपको भी पता है, पर यहाँ अभी ठीक ठाक चल रहे हैं माहौल। और जो बच्चे ये सोचते हैं डियर कि पेपर आउट हो जाते हैं, ये मस्तिष्क से निकाल दो, ये आप रोक नहीं पाओगे, ना हम रोक पाएंगे। जब तक पृथ्वी होगी और मानव होंगे, मानव में क्या दिमाग ज्यादा है, तो कमाने खाने का ना ये साधन ढूंढ ही लेंगे। चाहे आप अधिकारी बिठा दिया जाए, आपको निर्देशक बना दिया जाए, आप भी यही काम करोगे। जो अभी नवाब जैसा बोलते हो, अरे गुरुजी यहाँ तो सारे पेपर भी आउट हो जाए, पेपर भी आउट नहीं हो, जब आप भी बैठोगे ना, तो आप भी पेपर आउट करवा दोगे। इसीलिए इन सब मानसिकताओं से दूर उठ जाओ। 5% 10% गड़बड़ियां हर जगह होते हैं, भूल जाइए। मन में अगर निगेटिव चीज आ रहे हैं, इसको भी आप भूल जाएं, पॉजिटिव और सकारात्मक बनके एक ईमानदारी से आप मेहनत करो। जरूरी नहीं है किसी कोचिंग का आप स्टडी मटेरियल पढ़े, आप में जुनून होगा ना, तो खुद वो खुद नंबर वन बन जाओगे, किसी की गाइड की भी जरूरत नहीं है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।